हेलो गाइस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सभी? क्या हाल है आप सभी का? कैसे हैं आप सभी? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। रितु सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितु सिंह, जय हिंद मैम। जय हिंद रितु बेटा, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा हाउ आर यू ऑल फटाफट से। सो चलेगा बेटा, सेशन की शुरुआत करने से पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। बेटा हमारी मुलाकात हो रही है, हम रूबरू हो रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लेट्स क्रिक डिफेंस एग्जामिनेशन पर। इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर आप कुछ मेंटर्स को देख पा रहे होंगे, कुछ एडुकेटर्स को देख पा रहे होंगे। बेटा ये सभी के सभी एडुकेटर्स आप लोगों को मेंटर कर रहे होंगे आपके अपने चैनल लेट्स क्रिक डिफेंस एग्जामिनेशन पर। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, सो सबसे पहले तो मेरे बारे में जान लीजिएगा बेटा, मायसेल्फ नीतू ढाका एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स व्हिच आर ऑन योर स्क्रीन। चलेगा बेटा, इसी के साथ हम लोग बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ न्यूली लॉन्च चैनल्स है और ये जो चैनल्स है बेटा ये हमारे न्यू चैनल्स है। आप इन चैनल्स पर जाइएगा और यहाँ पर आपको बाइट साइज वीडियो मिलने वाली है जो कि 10 मिनट्स की वीडियोस होंगी एंड दीस वीडियोस विल बी द वेरी 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 फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बेटा अब अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी तक नहीं जुड़ा है, सो फटाफट से अपने फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या फिर किसी भी ऐप स्टोर से। और आपको इंस्टॉल क्यों करना है बेटा? क्योंकि अनअकैडमी प्लस आपको देता है फ्री लाइव क्लासेस जो कि स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में आपको मिलता है। आपको वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल प्लान्ड बैच कोर्सेज आपको मिलते हैं। सो फटाफट से, देर किस बात की है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने इंस्टॉल करिएगा और फिर मिलते हैं बैच कोर्स में स्पेशल क्लासेस के अंदर। चलेगा बेटा, और अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट बैच कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोगों के स्क्रीन पर डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेफरल कोड। आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है बेटा। अगर मैं रेफरल कोड की बात करती हूँ तो रेफरल कोड आप लोगों को दिया जाता है बेटा एनडी लाइव। आप लोग एनडी लाइव रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है आपकी फी में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एनडी लाइव कोड जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हैं। सो चलेगा बेटा, ये तो बात हो गई सब्सक्रिप्शन की कि कैसे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है और कैसे हम लोगों के साथ आपको अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना है। अब चलेंगे अपने सेशन की तरफ और चलते हैं सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलेगा रितु सिंह, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग रितु बेटा। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद मैम, जय हिंद अनुज। फिरोज आलम, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। संकेत, जय हिंद मैम, जय हिंद बेटा। चलेगा मैम, इट विल बी सफिशियंट बाय स्टडिंग ऑन यूट्यूब। बिल्कुल बेटा, इट विल बी सफिशियंट। देखिएगा बेटा, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, इट विल बी सफिशियंट। बट अगर आप डायरेक्ट किसी भी टीचर के, अगर किसी भी एडुकेटर के डायरेक्ट प्रेफरेंस में आना चाहते हैं, डायरेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन आना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर भी आपको इनफ सिलेबस आपका अवेलेबल है, इनफ कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। चलिएगा बेटा, सो इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर वन इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा रितु सिंह का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डिकम्पोजर। बट रितु बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, फिर से आंसर करो। चलिएगा बेटा फटाफट से, What will be your right answer? Answer, nutrients are recycled in atmosphere with the help of certain microorganism referred to as decompose. का मतलब होता है बेटा उस चीज को खत्म कर देना, और यहां पे आपको recycle दिया जा रहा है। Be careful, रितु बेटा, be careful। यहाँ पर recycle आपको करना है, आपको substance को दोबारा से regain करना है। और डीकम्पोज का मतलब होता है बेटा उसको खत्म कर देना। डीकम्पोजर्स क्या होंगे? उसको डीकम्पोज कर देंगे, उसको गला देंगे, सड़ा देंगे, उसमें केमिकल चेंज आ जाएंगे, आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिसाइकल दैट। एक एप्पल डीकम्पोज हुआ,
एक सेब अगर डिकम्पोज हुआ, उस डिकम्पोज्ड मटेरियल से हम वापस से एप्पल नहीं बना सकते बेटा. सो बी केयरफुल व्हाट विल बी द राइट आंसर. चलेगा नीतू सिंह ए के साथ जाते कंफ्यूज. चलेगा बेटा, देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताना है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स आर सॉरी ऐसे सब्सटेंस के बारे में आपको बताना है जो कि न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. सो दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स. उनको क्या कहा जाता है बेटा, उनको उत्पादक कहा जाता है, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, नॉट द डिकम्पोजर नॉट द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं. प्रोड्यूसर को होते हैं जो जनरेट कर रहे हैं. प्रोड्यूसर हमेशा जनरेट करते हैं किसी भी चीज को. सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर बेटा, योर राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी द प्रोड्यूसर्स. गॉट इट और नॉट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. चलिएगा इसी के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर टू इज ऑन योर स्क्रीन बेटा. क्वेश्चन नंबर टू जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है. The green manure is obtained from, बेटा जो green manure होता है, हरित उर्वरक, green manure की अगर हम बात करते हैं बेटा, green manure कहाँ से obtain किया जाता है. अगर मैं green manure की बात करूं, green manure is obtained from, फटाफट से comment करिएगा बेटा. जो हरित उर्वरक होता है, ग्रीन मैन्योर होता है, यानी कि ग्रीन मैन्योर को बेटा हम लोग फ्रेश एनिमल एक्सक्रीटा या फिर डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूमे प्लांट्स या फिर हम लोग बात करें डोमेस्टिक वेजिटेबल वेस्ट या फिर ऑयल सीड हस्क केक्स. व्हाट विल बी योर राइट आंसर. चलेगा बेटा ग्रीन मैन्योर की अगर हम बात करें, हम कहाँ से ग्रीन मैन्योर को ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर. चलेगा बेटा अगर हम ग्रीन मैन्योर की बात करेंगे, ग्रीन मैन्योर जल्दी से बताइए बेटा. मैम प्लीज एक्सप्लेन. ओके चलेगा ठीक है बेटा. देखो अगर हम ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं बेटा, आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन मैन्योर को हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं. बेटा ग्रीन मैन्योर का मतलब है वी कैन ऑब्टेन द ग्रीन मैन्योर बाय डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूमे प्लांट्स. बेटा जितने भी हरे फलदार या फिर फूलदार पौधे हम कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्रूट्स और एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लावर आते हैं, ऐसे प्लांट को लगाया जाता है कहाँ पर बेटा, फील्ड पर लगा दिया जाता है. ग्रीन प्लांट्स को फील्ड पर लगाया जाता है और वहीं पर उसको प्लो कर दिया जाता है. जैसे ही वो खेत में खड़े हुए होते हैं बेटा, फील्ड में खड़े हुए होते हैं, खड़े प्लांट्स को ही बेटा वहीं पर प्लो कर दिया जाता है. प्लो करने के बाद वो जो रेसिड्यू बचता है, वो रेसिड्यू का यूज किया जाता है एज अ ग्रीन मैन्योर. वो एक ग्रीन मैन्योर का काम करता है. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, ग्रीन लेग्यूमे प्लांट्स, उनको डिकम्पोज किया जाता है फील्ड के अंदर, दैट इज द ग्रीन मैन्योर. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. गॉट इट. चलिएगा सो इसी के साथ पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑन योर स्क्रीन. द मेथड विच इज नॉट यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल. बेटा आपको एक ऐसा मेथड के बारे में बताना है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर नहीं आता. चलेगा बेटा एक ऐसे मेथड के बारे में बताना है आपको जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर नहीं आता, यानी कि अगर पेस्टिसाइड्स की, विड्स की, या फिर अगर हम बात करते हैं हम कह सकते हैं एक तरीके से बैक्टीरिया को, हम कह सकते हैं पेस्ट को, हम कह सकते हैं फंगस को, हम कह सकते हैं आपके. चलेगा आंसर भी हमारे पास आ चुका है. वेरी नाइस, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. बहुत खूब बेटा. देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो बेटा यूज ऑफ प्रेडेटर्स ऑफ अ पेस्ट, यानी कि जो पेस्ट होते हैं, जो कीट भक्षी होते हैं बेटा, यानी कि पेस्ट को खाने वाले जो प्रेडेटर्स होते हैं उनका यूज करके हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम फेरोमोन ट्रैप्स, अगर हम फेरोमोन ट्रैप्स की बात करते हैं बेटा, आपको पता है जो फेरोमोन ट्रैप्स होता है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमेशा
फेरोमोन ट्रैप का ही यूज करते हैं। फेरोमोन ट्रैप को यूज करके वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने के बाद उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। सो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स और ये हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बेटा बिल्कुल सही होगा। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बेटा? जो कीटनाशक होते हैं, केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स आपके कभी भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर नहीं आएंगे। यूज ऑफ नीम एक्सट्रैक्ट्स, बेटा बहुत जगह नीम एक्सट्रैक्ट्स का यूज किया जाता है, जैसे नीम की लीव्स को यूज किया जाता है, प्लांट जो नीम का पौधा होता है उसके बार्क का यूज किया जाता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए पेस्ट का या फिर वेट्स का अगर हम बात करते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा आपका, वो किस में आएगा? वो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में नहीं आएगा। इज इट ओके? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, वेरी नाइस, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों के स्क्रीन पर है। मशरूम कल्टीवेशन इज नॉट यूजफुल इन, बेटा अगर हम मशरूम कल्टीवेशन की बात करते हैं, मशरूम कल्टीवेशन का यूज कहां पर नहीं किया जाता? बायोलॉजिक बायोगैस प्रोडक्शन में, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज, अनाज रोगों के जैविक नियंत्रण में, या फिर रिसाइकलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट की रिसाइकलिंग में, या फिर प्रिवेंटिंग कैंसर, कैंसर की रोकथाम में। चलिएगा बेटा, यहां पर मशरूम कल्टीवेशन की बात हो रही है, प्रिवेंटिंग कैंसर, चलिएगा, वेरी नाइस, मशरूम कल्टीवेशन की बात बेटा हो रही है। बट आपको पता है मैम, मशरूम इज फंगस, चलेगा, वेरी नाइस, बहुत खूब बेटा। बेटा देखो, प्रिवेंटिंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मशरूम डॉक्टर एडवाइस करते हैं खाने के लिए, यानी कि क्या कहते हैं कि भाई इनको मशरूम आप खिलाओ, क्योंकि मशरूम के अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर से आपके जो मेमोरी सेल डेवलप्ड हो रही है आपके बॉडी में उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है एक तरीके से। सो मशरूम कैंसर पेशेंट को बेटा रिकमेंड करते हैं डॉक्टर खाने के लिए। इज इट ओके? सो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर डी सभी का है वो तो बिल्कुल गलत है बेटा। देखो, क्रॉप डिजीज, कभी भी मशरूम जो है क्रॉप डिजीज का रोकथाम नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीजेस। बेटा क्रॉप की डिजीजेस को मशरूम कंट्रोल नहीं कर सकती। बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट की रिसाइकलिंग में भी यूज किया जाता है और कैंसर से बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किडनी स्टोन पर बियर एडवाइस करते हैं, संकेत कह रहे हैं, बिल्कुल बेटा किडनी स्टोन पर बियर एडवाइस करते हैं। सो आजकल ज्यादा किडनी बना रहे हो क्या आप बेटा? ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हो क्या फ्यूचर में कभी भी किडनी ना, किडनी में हमारे स्टोन ना हो? चलेगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी नाइस, रितु सिंह जा रही है ऑप्शन नंबर सी के साथ। आशीष कुमार, बिल्कुल, दिस कोर्स इज आल्सो फॉर द एनडीए। चलिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑन योर स्क्रीन। यस मैम, चलेगा, वेरी नाइस संकेत बेटा, वेल डन, बहुत खूब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोगों के स्क्रीन पर है। अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम थ्रू, बट आपको एक बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सारे पौधे उगाने हैं, अच्छी एक आपको फसल पैदा करनी है। सो इस कंडीशन में आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? विच ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर? आज बॉटनी के क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, स्पेशली जो आपका अगर हम बात करेंगे एग्रोनॉमी से आपके क्वेश्चन आज उठाए गए हैं। अभी देखते हैं बेटा कितना रिस्पॉन्स आपका आता है। चलिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, वेरी नाइस शिवम परहार, बिल्कुल सही आंसर है बेटा।
में ऑप्शन नंबर सी रितु सिंह, ऑप्शन नंबर सी संकेत बेटा आंसर गलत हो गया है। तो दैट विल बी द टिश्यू कल्चर। बेटा टिश्यू जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स होती है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का यूज करके हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक कम समय अंतराल में, कम समय अवधि में हम बहुत सारे पौधों को उगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ऑन योर स्क्रीन एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट लेवल। ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। चलिएगा बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, शिवम पार्षद सी के साथ जाते हुए, संकेत ए के साथ जाते हुए, बीटी कोटन, अंकित राय बी के साथ जाते हुए, चिन्मय पाटिल सी के साथ जाते हुए, बेटा देखिएगा अगर हम बीटी सीड्स की बात करते हैं, बीटी सीड इज द टाइप ऑफ कॉटन। जो कॉटन सीड्स होते हैं बेटा, कॉटन सीड्स का ही एक स्पीसीज होती है बीटी सीड की। अगर हम बात करें इसी की एक वैरायटी होती है कॉटन सीड की, बीटी सीड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा बीटी कॉटन आता है, बिल्कुल बीटी कॉटन आता है बेटा। सो बीटी सीड जो होता है, बीटी आपका कॉटन की सीड्स की एक वैरायटी होती है। चलेगा इसी के साथ, यस मैम आई हैव डन। चलेगा वेरी नाइस। इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा मैम यू टीच बेसिक फिजिक्स। बिल्कुल बेटा बेसिक्स, बेसिक फिजिक्स कंप्लीट साइंस, नॉट ओनली द फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों पोर्शन बेटा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करते हैं, द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड एज। बेटा फील्ड क्रॉप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड एज, व्हाट विल बी योर राइट आंसर, दैट विल बी द एग्रोनॉमी। सो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द एग्रोनॉमी। सो यहाँ तो हमें ज्यादा सोचने की बेटा जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिएगा इसी के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर एट इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा क्वेश्चन नंबर एट आप लोगों की स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। आपको इनमें से एक बायो फर्टिलाइजर को सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बायो फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग या फिर एल्गी एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। मैम आंसर ऑलरेडी है, संकेत कह रहे आंसर ऑलरेडी है, कहां पर है बेटा। चलिएगा बेटा बायो फर्टिलाइजर पूछा जा रहा है आपको, बेटा ना बायो, बायो का मतलब क्या होता है, जैविक, लिविंग थिंग से कोई मतलब होता है इसका बायो। बेटा एक भी आंसर गलत नहीं है, आप सभी का आंसर बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन पे कहां पहुंचे बेटा हम लोग, नाइन्थ क्वेश्चन पे तो बेटा अभी हम लोग पहुंचे ही नहीं है। अभी तो रितु हम क्वेश्चन नंबर एट पे है बेटा। सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग, आपको एक बायो फर्टिलाइजर के बारे में बताना है बेटा, और जो सबसे बेस्ट बायो फर्टिलाइजर होता है आपका वो होता है एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज द राइट आंसर, योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बेटा ये बिल्कुल सही आंसर होगा, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इज इट ओके, गॉट इट, सॉरी मैम। चलेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। देखो क्यों होता है वो भी जान लेते बेटा। आपको पता है जो एल्गी होती है, एल्गी के अंदर प्रोटीन होता है एंड इट इज अ प्रोटीन रिच बायो फर्टिलाइजर। बेटा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ साथ अगर हम मैं बात करूं एल्गी के अंदर, जो एल्गी होती है जिसको हम सहवाल कहते हैं बेटा, एल्गी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है।
नाइट्रोजन रिच होती है ये बेटा, बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं अबंडेंट अमाउंट में इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन होता है। और प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बायो फर्टिलाइजर के तौर पे किसकी जरूरत होती है बेटा? चून की रिक्वायरमेंट होती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दे रिक्वायर्ड ओनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बेटा। प्रोटीन के थ्रू इनको नाइट्रोजन भी मिल रही है, एल्गी के थ्रू प्रोटीन भी मिल रहा है बेटा। चारों अगर चारों सब्सटेंसेस एल्गी से इनको मिल रहे हैं बेटा, सो इट विल बी द बेस्ट बायो फर्टिलाइजर अगर हम एल्गी की बात करते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, अगर देखो आप अगर देखो अमोनियम सल्फेट को सिर्फ छोड़ के बेटा, जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट आपका केमिकल है, बाकी तीनों आपके कैटल डंग भी तो बायो फर्टिलाइजर है बेटा, कंपोस्ट भी बायो फर्टिलाइजर है, कैटल डंग भी बायो फर्टिलाइजर है, बट यू हैव टू गो थ्रू विद द बेस्ट ऑप्शन। आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना होगा, और आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा जो सबसे अच्छा बायो फर्टिलाइजर के तौर पे साबित होगा। सो दैट विल बी द एल्गी एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा जो एल्गी होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इन कंपैरिजन टू द कंपोस्ट। अगर हम कंपोस्ट की बात करें, आपको पता है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अगर मैं एस्ट्रोनॉट्स की बात करती हूँ, एस्ट्रोनॉट्स को एल्गी दी जाती है एज अ फूड। क्यों दी जाती है बेटा? क्योंकि एल्गी के अंदर प्रोटीन होता है। अगर आप एक एल्गी का छोटा सा टुकड़ा भी खाते हैं तो हमारी बॉडी को इतना प्रोटीन मिलता है, इतना न्यूट्रिशन मिलता है कि हमारी बॉडी 3-4 दिन आराम से सर्वाइव कर सकती है। एक एल्गी के छोटे से टुकड़े से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को एक कंप्लीट कर सकता है, एटलीस्ट यू कैन स्टे देयर। इज इट ओके? आपकी क्रेविंग को नहीं मिटाएगा, बट आपकी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उस न्यूट्रिशन की को फुलफिल ये करता है। सो आपको पता है एल्गी को हम सैलेड के तौर पे भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रोटीन होता है इसके अंदर। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें, प्रोटीन और नाइट्रोजन या फिर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे। एक तरीके से आप न्यूट्रोनियस इसको कह सकते हैं, न्यूट्रिनियस रिच बायो फर्टिलाइजर आप इसको कह सकते हैं। सर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट और नॉट? ठीक है, चलिएगा, वेरी नाइस, बहुत खूब बेटा। अगर हम बात करते हैं क्लोरिला का यूज किया जाता है कहाँ पर बेटा? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस फूड के नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेस फूड। गॉट इट? क्लियर है बेटा? बेटा ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकते, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। अगर आपके पास ऑल ऑफ द अबव का आंसर ऑप्शन होता तब आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जाते, बट आपके पास ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो आपको बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना होगा। मैम ये क्लास कब से स्टार्ट होती है बेटा? एक्चुअल में इस क्लास का टाइमिंग आपका 3 PM है, बट 2 दिन से आपकी 3 PM इस टाइम का डेली रेगुलर क्लासेस चलेगा। इसी के साथ बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताना है जिन्होंने चार्ल्स डार्विन ने बेटा थ्योरी दी थी। आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी बेटा। चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी के कंपैरिजन में ही एक इन्होंने थ्योरी दी है, एवोल्यूशन थ्योरी। किस साइंटिस्ट ने दी है, साइंटिस्ट का नेम आपको बताना है। चलेगा, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की कंपैरेटिवली एक थ्योरी दी गई है, कंफ्यूज चलेगा, सॉरी इट इज सी बेटा, दैट विल बी द जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। बेटा जो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क है, इन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के कंपैरेटिवली सेम कंक्लूजन वाली एक और एवोल्यूशन थ्योरी दी थी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा, यहाँ पर कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के स्क्रीन पर है। बिल्कुल बेटा, लेमार्क इज वेरी नाइस। चलिएगा बेटा, पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ,
बट आपको बताना है पांडा ऐसा कौन सा जानवर है, उसी जानवर की फैमिली से बिलोंग करता है पांडा। ऑब्वियसली सी बात है, सोचना ही नहीं है, पांडा एक भालू होता है, सो दैट बिलोंग्स टू द बियर फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये बियर की फैमिली से बिलोंग करता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेटा इज, आपको सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेटा यानी कि अकेशरुकी के बारे में बताना होगा। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटास यानी कि जिनके अंदर वर्टिब्रेटा नहीं पाए जाते, वर्टिब्रेटा कॉलम वर्टिब्री नहीं पाई जाती, ये एक तरीके से आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। चलेगा, सो यहाँ पर आपका आंसर इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा इजी क्वेश्चन है, सो जल्दी से आंसर करिएगा। के राजपूत, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून के राजपूत बेटा जी, वेरी नाइस। सो दैट विल बी द आर्थ्रोपोडा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, जो आर्थ्रोपोडा होता है दैट इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेटास, दीज आर द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेटास, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेगा बेटा इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज स्पॉन्ज बेटा, स्पॉन्ज क्या होता है, अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, व्हाट इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है। मैम वीडियो इज बफरिंग, संकेत कह रहे वीडियो इज बफरिंग, बेटा अगर वीडियो बफर कर रही है तो आई थिंक आपके कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर तो सब कुछ प्रॉपर है, मैं अपने मोबाइल फोन में देख पा रही हूँ, मेरे मोबाइल फोन में वीडियो बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। मैम सिर्फ बायो का क्वेश्चन होगा, हाँ बेटा सिर्फ बायो का क्वेश्चन है अभी फिलहाल। अगोरा हाई स्कूल गौरव, जय हिंद मैम, जय हिंद गौरव जी, जय हिंद। चलिए आंसर आने स्टार्ट हो चुके, डीसी 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 अभिषेक तोमर, हेलो मैम, हेलो अभिषेक तोमर। चलेगा बेटा डीसी डीसी, बेटा देखिएगा अगर हम बात करते हैं स्पॉन्ज की, व्हाट इज स्पॉन्ज बेटा, स्पॉन्ज इज एन एनिमल, इट इज एन एनिमल, ये एक जंतु है, ये एक एनिमल है। और बेटा ये एनिमल की अगर हम बात करते हैं बेटा, एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम आता है, जिस फाइलम का नाम है बेटा पोरीफेरा, पोरीफेरा। अगर हम पोरीफेरा की बात करते हैं, ये पोरीफेरा फाइलम के अंदर एक जानवर होता है। इस फाइलम के अंदर कुछ इस तरीके के जानवर होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी पर, और इन पोर्स के थ्रू ये पानी का इनटेक या फिर आउटटेक करते हैं। यानी एक्वेटिक एनिमल है, अगर हम पोरीफेरा की बात करें कैसे एनिमल होंगे बेटा, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल है तो ये कहां पर रहेंगे, पानी में रहेंगे, और पानी में रहेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर इन पोर्स के थ्रू पानी भरते हैं बेटा। ये अपनी बॉडी के अंदर इन पोर्स के थ्रू पानी भर लेते हैं, और जैसे इन्होंने पानी भरा तो ये फूल जाएगी बेटा, इनकी बॉडी फूल जाती है। जिस तरीके से आपने स्पॉन्ज देखा होगा, जो स्पॉन्ज होते हैं, अगर हम स्पॉन्ज को पानी में डालते हैं सो वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा वो फूल जाता है। सिमिलरली, और अगर इन्हीं पोर्स के थ्रू ये पानी को आउटटेक कर देते हैं, ये वाटर को बाहर निकाल देंगे, सो इस कंडीशन में क्या होगा, वापस से इनकी जो बॉडी थी वो वापस से श्रिंक हो जाएगी, वापस से उसे शेप में चली जाएगी, तो बिल्कुल ये स्पॉन्ज की तरह होते, स्पॉन्जी स्पॉन्जी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दे आर द एनिमल्स ऑफ द पोरीफेरा फाइलम, इज इट ओके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बेटा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेगा इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। नॉर्मली एनिमल्स कैन चेंज द प्लेस, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट चेंज द प्लेस। यानी कि बेटा आपसे एक ऐसे एनिमल के बारे में पूछा जा रहा है जिसकी बॉडी में जिसकी बॉडी के अंदर मोर्टैलिटी नहीं होती, दैट इज नॉन मोर्टाइल। जिसकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, एक ऐसे जानवर के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। सो ऐसे जानवर के बारे में आपको बताना है विच डज नॉट हैव एनी मूवमेंट इन देयर बॉडी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, आपका सही आंसर क्या है। चलिए
बेटा देखिएगा, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, हाइड्रा। देखिए जो हाइड्रा होता है ये पानी की लहर के साथ क्या बेटा, पानी की लहर उठकर आई और यहाँ पर इसने हाइड्रा को बेटा छोड़ दिया, ये यहीं पड़ा रहेगा। वापस से ये पानी की लहर के साथ बेटा यहाँ पर पहुंचा, वापस से कहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा बेटा। इस तरीके से ये पोजीशन चेंज करता है किसके साथ, पानी की लहरों के साथ। इसकी बॉडी के अंदर अपना खुद का मूवमेंट नहीं होता, जहां पर पानी ने ले जाके छोड़ दिया वहां पर पड़ा रहेगा, जहां पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने ले जाकर छोड़ दिया, मार दिया, जिंदा छोड़ दिया, खा लिया, वहीं पर पड़ा रहेगा बेटा। इसकी अपनी बॉडी के, इसकी बॉडी के अंदर अपना खुद का मूवमेंट नहीं होता है, दैट इज नॉन मोटाइल इन द नेचर। नेचर में कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। चलिएगा बेटा इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। बेटा आपके पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी ट्रू फिश है। स्टाइल्स रोमियो, गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग स्टाइल्स रोमियो। बिल्कुल बेटा, हाइड्रा इज एन एनिमल, हाइड्रा एक एनिमल है जिससे लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई थी। मैम आपकी वॉइस बहुत गलती, गौरव क्या कहना चाह रही हो बेटा, मैम आपकी वॉइस बहुत गलती। मैम दिस कम्स अंडर एफकेट सिलेबस, बिल्कुल बेटा रुचिका सैनी, या इट विल कम अंडर एफकेट सिलेबस। चलेगा फटाफट से आंसर बेटा, स्टारफिश। चलेगा यहाँ पर स्टारफिश, वेरी नाइस। गगन, सॉरी गंगाधर प्रधान। चलेगा संकेत ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हुए, वेरी नाइस। रितु सिंह, के राजपूत, चिन्मय पटेल, स्टाइल्स रोमियो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हुए, दैट इज द स्टारफिश। आप सभी को पता है जो स्टारफिश होती है जिसको हम सितारा मछली कहते हैं, दैट्स स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से स्टार की तरीके का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। इस तरह के फिश को हम कहते हैं स्टार फिश, और जो स्टार फिश होती है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू फिश। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रू फिश कहते हैं, यानी कि वास्तविक मछली। चलेगा अभिषेक द्विवेदी, हेलो हेलो मैम, हेलो बेटा। चलेगा सॉरी मैम, आई मीन वेरी स्वीट है, ओके चलेगा, थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन लैक्स टंग। बेटा आपको एक ऐसे एम्फीबियन के बारे में बताना है, एक ऐसे उभयचर के बारे में बताना है जिसकी बॉडी के अंदर टंग नहीं होती है, जिसके शरीर में जीभ का अभाव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन लैक्स टंग, क्या ये क्लास डेली होगी अभिषेक द्विवेदी? बिल्कुल बेटा ये क्लास डेली होगी, डेली एट 3 PM। इकाइनोडर्मेटा, चलेगा बेटा इकाइनोडर्मेटा। रितु वेरी नाइस, बाउंसिंग क्वेश्चन, चलेगा वी आई गेस बाउंसिंग क्वेश्चन भी चलेगा, वेरी नाइस, बहुत खूब बेटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सालामिन दर होती है, अगर हम सीधा से बात करें बेटा, सालामिन डोर जो होता है इसकी बॉडी के अंदर टंग नहीं पाया जाता। सालामिन डोर की बॉडी के अंदर बेटा टंग नहीं होती, जीभ नहीं होती, एंड इट इज अ एम्फीबियन। और आपको पता है बेटा ये पानी में भी रह सकता है, ये जमीन पर भी रह सकता है, बट इसकी बॉडी के अंदर टंग नहीं पाई जाती। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। एड्स वायरस है, अगर हम एड्स के वायरस की बात करते हैं बेटा, एड्स के वायरस के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके मैम तुक्का मारा, तुक्का मारा। चलेगा बेटा कभी कभी तीर निशाने पर लग जाता है, और तब तीर निशाने पर लग जाता है तब दिक्कत बहुत होती है, कभी कभी लगता है बट, है ना। सो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16, एड्स वायरसेस।
अगर हम वायरस की बात करते हैं, बेसिकली वायरस की बॉडी में तीन ही पार्ट्स होते हैं. व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द वायरस बेटा? सबसे पहले एनवोलप होता है. एनवोलप होता है इनकी बॉडी के अंदर एक आउटर कवरिंग. बेटा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है आउटर कवरिंग के अंदर. क्या पाया जाता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक आरएनए पड़ा हुआ होता है. ओनली एंड ओनली दीज आर द थ्री पार्ट्स लाइक दिस. बेटा इस तरीके से एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम एनवलप कहते हैं. और ये जो एनवलप होता है ये किसका बना होता है बेटा? दैट इज मेड अप ऑफ द कैप्सिड प्रोटीन. ये कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर पाया जाता है बेटा न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टे करता है आरएनए, और इसकी एक टेल होती है, इसकी एक पूंछ होती है. सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका सही आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. एड्स के वायरस की ही नहीं बेटा, किसी भी वायरस की अगर हम बात करते हैं, हर एक वायरस के बॉडी के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. इज इट ओके? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. वेरी नाइस. कैप्सोमियर कैप्सिड, बहुत खूब बेटा. दैट इज कैप्सोमियर कैप्सिड. वेरी नाइस. मेरा मोस्टली नहीं लगता चलेगा. वेरी नाइस, बहुत खूब बेटा. सो आपको राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी. एड्स का वायरस कौन सा वायरस होता है बेटा? आपको पता है एचआईवी वायरस. सो एचआईवी वायरस की अगर हम बात करें, दैट इज हैविंग द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. गॉट इट? एड्स वैक्सीन इज नॉट मेड बेटा. बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर एड्स की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है बेटा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? अगर हम एड्स के फुल फॉर्म की बात करते हैं, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी? एचआईवी की अगर हम बात करें बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इज इट ओके? और अगर हम एड्स की बात करते हैं बेटा, एड्स की क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म, What is the full form of AIDS? Acquired immuno. Very nice. Acquired immuno deficiency syndrome. Deficiency syndrome. This is the definition or abbreviation of the AIDS. AIDS ke एब्रिवेशन क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और एचआईवी की क्या होती है बेटा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायर. इज इट ओके? स्टाइल्स रोमियो कह रहे मैम इसका पीडीएफ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है बेटा, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, चलेगा बेटा. पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैं व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर विच इज ऑन योर स्क्रीन. शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा या नहीं, आई डोंट थिंक. क्या आप लोगों के ये दिखाई दे रहा? आई थिंक, आई होप सो. बट दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. यहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा. ओके, एंड यू विल गेट द पीडीएफ. इज इट ओके? बिल्कुल बेटा संकेत. इट इज अ एसटीडी डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये. चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आप लोगों के स्क्रीन पर है. सम वायरस हैव आरएनए बट नो डीएनए. कुछ वायरस के अंदर आरएनए होता है बट डीएनए नहीं पाया जाता. व्हाट वुड दिस स्टेटमेंट इंडिकेट बेटा? इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है? यू आर हैविंग द फोर स्टेटमेंट. आपको बताना होगा चारों स्टेटमेंट में से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है. मैम प्लीज शेयर योर टेलीग्राम लिंक. बेटा टेलीग्राम लिंक आप सर्च कर सकते हैं जनरल साइंस बाय नीतू ढाका के नाम से. यू कैन सर्च द टेलीग्राम बाय टाइपिंग द जनरल साइंस बाय नीतू ढाका. चलेगा. लास्ट टू डिजिट्स 50. बेटा लास्ट टू डिजिट है 50. That is 50. Corona is a beta type of virus. Beta, it is a beta type virus. That is beta type virus.
चलेगा। बेटा देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, देखो अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया, तो मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। बेटा देखिएगा, अगर आरएनए को डीएनए से कंपेयर किया है बेटा, बाकी जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर डीएनए क्या करता है बेटा, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इट कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द एनिमल्स। बट बेटा अगर हम वायरस की बात करते हैं, जो वायरस होता है वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, और अगर ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है तो वायरस के अंदर बेटा जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है उसको आरएनए कैरी करता है। जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है या फिर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को आरएनए कैरी करता है। सो सीधी सी बात है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, आरएनए ट्रांसमिट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन दीज वायरसेस। सो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इज इट ओके, गॉट इट? क्लियर है बेटा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, योर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नो ट्रांसक्रिप्शन, बेटा आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? तब आपके पास दो स्ट्रैंड होंगे, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है बेटा, तो ट्रांसक्रिप्शन तो वहां पर होगा ही नहीं, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के स्क्रीन पर है, अमंग द डिफेक्ट्स ऑफ आईज, आईज के डिफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। द शॉर्ट साइटनेस इज कॉल्ड एज, शॉर्ट साइटनेस इज कॉल्ड एज, गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, नॉट एनी शो, चलेगा। शॉर्ट साइटनेस के बारे में बेटा आपको बताना है। मायोपिया, वेरी नाइस, बहुत गुड। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बिल्कुल बेटा, मायोपिया विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसको हम मायोपिया कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द मायोपिया। चलिए बेटा इसी के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिशिएंसी डिजीज, आपको बताना है इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस के अंदर आती है, यानी कि किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की, किसी ना किसी सब्सट्रेट की कमी से हमारी बॉडी में ये बीमारी हमें होती है, ऐसी कौन सी बीमारी है। या इजी था बिल्कुल बेटा, ये भी बहुत इजी है। कॉनकेव लेंस इज द सॉल्यूशन ऑफ मायोपिया, वेरी नाइस, वेल डन बेटा, वेरी नाइस, बहुत खूब बेटा, देखिए चलेगा। सो अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया, बेटा मायोपिया में आपका बेसिकली कॉनकेव लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस का कभी कभी यूज कर लिया जाता है, कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन द मायोपिया, चलेगा। दैट विल बी द नॉट द कैंसर, बेटा कैंसर तो कभी भी डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर नहीं आती आपकी बॉडी में। किसी विटामिन की कमी से आपने सुना है कि कैंसर हो गया है? नहीं, आपके बॉडी के अंदर तब सेल का, टिश्यू का, अगर टिश्यू की कोटिंग होने लगे, सेल की कोटिंग होने लगे, ब्लड की कोटिंग होने लगे, उस कंडीशन में आपको कैंसर होता है। भगवान ना करे कभी किसी को हो, कोई अपने ऊपर मत लेना बेटा। अगर हम बात करते हैं स्कर्वी, देखिएगा सबसे पहले अगर मैं अस्थमा की बात करती हूँ बेटा, अस्थमा इज अ एलर्जी, ये क्या है, ये एक एलर्जी है, ये बैक्टीरिया के कारण हमारी बॉडी में होने वाली एक एलर्जी है। जॉन्डिस की अगर हम बात करें बेटा, जॉन्डिस हमारी बॉडी के अंदर होने वाला एक इन्फेक्शन है। किस कारण से बेटा? अगर हमारे लिवर के अंदर बिलोरिबिन पिगमेंट का हाइपर सिक्रेशन होता है, बिलोरिबिन पिगमेंट के हाइपर सिक्रेशन के कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में बिलोरिबिन प्रोड्यूस होने लगे हमारे लिवर में, सो इस कंडीशन को हम जॉन्डिस यानी कि पीलिया का नाम देते हैं। जिस बिलोरिबिन के हाइपर सिक्रेशन के कारण हमारी बॉडी का कलर हल्का सा पीलेपन में कन्वर्ट होने लगता है, पीले कलर में, येलो कलर में। So, यहां पर अगर हम बात करेंगे बेटा स्कर्वी की, स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी डिजीज, आपको पता है जो विटामिन सी होता है बेटा, विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी के अंदर स्कर्वी जैसी बीमारी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द स्कर्वी। बेटा इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कैंसर की, जो कैंसर होता है, अगर मैं कैंसर की बात करूं बेटा, कैंसर इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं इट इज अ जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंदर भी आता है, या फिर ये नॉर्मल बेटा आपका
क्लोटिंग डिजीज एक तरीके से आप इसको कहते हैं, टिश्यू क्लोटिंग या फिर ब्लड क्लोटिंग। सो कैंसर आपका कभी भी डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर नहीं आता। कैंसर में होता क्या है बेटा, एक तरीके से आपके बॉडी के अंदर सेल में या फिर टिश्यू में एक अनबैलेंस हो जाता है। अचानक से बहुत ज्यादा सेल का बढ़ना आपकी बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा टिश्यू का बढ़ना आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज द कैंसर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेगा, वेरी नाइस, बहुत खूब। यहाँ पर गंगाधर प्रधान कह रहे हैं कैंसर इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड सेल। वेरी नाइस बेटा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज द कैंसर। वेरी नाइस, वेल डन रितु बेटा। चलेगा, इसी के साथ पढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। चलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर। बेटा इसी क्वेश्चन को हमने इसी सीरीज में दूसरे तरीके से भी कवर किया था, तो फटाफट से मुझे आंसर कर लीजिएगा। टीथ डिसऑर्डर से कौन सा एलिमेंट है जो रिलेट करेगा? फ्लोरीन, वेरी नाइस, बहुत खूब ऋतु सिंह। गंगाधर प्रधान, फ्लोरीन, के राजपूत बी के साथ जाते हुए, दैट इज द फ्लोरीन। चलेगा, बहुत खूब बेटा। जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के एक्सेस अमाउंट से हमारी बॉडी के अंदर एक बीमारी होती है, जिस बीमारी को हम कहते हैं फ्लोरोसिस, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस करती क्या है बेटा, जो हमारे टीथ होते हैं, हमारा जो इनेमल वाला पार्ट होता है, इनेमल वाले पार्ट को धीरे 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 बेटा वो पार्टिकल्स में, टुकड़ों में भुरने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटने लगता है। और सिमिलरली जो हमारी बोन्स होती है वो वीक पड़ने लगती है। सो ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बेटा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सो चलेगा, लेट्स एंड द सेशन। आज के सेशन को बेटा यही हम एंड करेंगे। और क्या हाल है आप सभी का, कैसे है बेटा आप सभी, फटाफट से कॉमेंट करके बताइएगा। और सेशन कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा बेटा, ये कॉमेंट करना मत भूलिएगा। सेशन मैम, सॉरी टू इंटरप्ट इन मिडल, बट प्लीज कैन यू सजेस्ट मी अ बुक फॉर सीडीएस एंड एफकैट एसी। सो I'm from commerce background. Okay, चलेगा मैम। अब क्लास कब होगी मैम आपकी? बेटा कल 3 PM पर, कल 3 PM पर क्लास होगी। Tomorrow 3 PM. Got it? चलेगा, very nice मैम। Do continue this session मैम। बिल्कुल बेटा ये continue रहेगा, don't worry, it will be continue. चलेगा बेटा, बुक की अगर मैं बात करती हूँ, देखिएगा अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। जो एनसीईआरटी हमारी है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ बेटा, कवर दें, इज इट ओके? आपका बेसिक क्लियर है? सो बेटा एनसीईआरटी की रिफ्रेशर आती है, एनसीईआरटी की ही देखो, एनसीईआरटी पूरी बुक आप नहीं पढ़ोगे, दैट आप पहले ही कह रहे हो कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ बेटा, तो मैं आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन बता दूँ बेटा। एनसीईआरटी की बुक आती है, एनसीईआरटी की छोटी छोटी सी पत्ते से रिफ्रेशर आती है, आप वो पत्ते से बुक ले लीजिए एनसीईआरटी की। इसके अलावा आपके एक बुक आती है बेटा एफएक्यू, एफएक्यू नाम की एक बुक आती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसके राइटर है आई थिंक राजेश जोशु शायद इनके राइटर है। हाँ, राजेश जोशु एफएक्यू बुक के राइटर है। आप इस बुक को ले लीजिए बेटा, इट विल बी द वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। इस बुक में आपको वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, आपको वन लाइनर टॉपिक मिलेगा, छोटा सा पतली सी बुक होगी बेटा, ज्यादा मोटी बुक ये नहीं होगी, ये बुक होगी आपकी मैगजीन की तरह की, जिस तरीके की मैगजीन आती ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, पतली सी बुक होगी और बहुत अच्छी बुक है बेटा। देखो सीरियस पाथ फाइंडर, तो देखो ये तो आप लोगों के पास होगी, ये तो ऑफिसर्स फर्स्ट चॉइस होती है बेटा, ये बुक तो आई थिंक आप लोगों के पास होगी ही होगी, ये तो हर एक सीरियस एस्पिरेंट के पास मिलती ही है। आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा एफएक्यू, वन लाइनर बुक होगी और बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है ये आप लोगों के लिए। चलेगा ठीक है बेटा। मैम वैन विल बी योर बेटा, दैट विल बी ऑन द फ्राइडे एंड संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। गॉट इट?
चलेगा। सो लेट्स एंड द सेशन बेटा, जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज है सारी क्वेरीज आपके ली जाएंगी, ठीक है बेटा। सो अभी इस सेशन को हमें यही एंड करना होगा, मिलते हैं कल फिर 3 PM पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और मिलते हैं कल 3 PM पर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, सी यू सून।